हेलो गाइस, मेरा नाम है चंचल और आप देख रहे हैं चंचल एक्सपेरिमेंट। गाइस, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बनाकर दिखाएंगे डीसी ड्रिल मशीन, जो आप भी अपने घर पर बनाकर यूज कर सकते हो। उसे पीवीसी पाइप में आप लोगों को बनाकर दिखाएंगे और काफी सस्ते में बनाकर दिखाएंगे गाइस। वो आपकी लाइट की भी बचत करेगी, लाइट है वो आपकी बिल्कुल से कम लगेगी, क्योंकि वो 12 वोल्ट से चलने वाली है। ऐसी ड्रिल मशीन आप लोगों को बनाकर दिखाएंगे, काफी अच्छे से लुक देंगे उसके। तो गाइस, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें गाइस। तो बिना देरी किए गाइस बनाना करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, सबसे पहले हमें यहाँ पर एक ऐसी खराब बोतल लेनी है। आपके पास ऐसी बोतल ना हो तो आप पीवीसी पाइप भी ले सकते हैं, जो यहाँ पर हम इस मोटर का यूज करेंगे। ये 775 DC मोटर है, इसके नाप का आप लोग पीवीसी पाइप ले सकते हैं। हम यहाँ पर इस बोतल का यूज करेंगे। तो फटाफट से गैस हम यहाँ पर इसमें कट कर लेते हैं, इसका हिस्सा अलग कर देते हैं। गैस इसको हमने यहाँ पे कट कर दिया है इसका। अब हम यहाँ पर इसको फिट करेंगे, ऐसे करके यहाँ पर फिट करेंगे। तो इससे पहले हम यहाँ पर इसका हत्था भी बना लेते हैं, जो हमें यहाँ पर पकड़ने में काम आएगा। तो फटाफट से हम उसमें भी कट कर लेते हैं। गाइस इसको हमने यहाँ पर कट कर लिया है और यहाँ पर हमने इसे थोड़ा तिरछा कट किया है, जो हम इसका यहाँ पर हत्ता बना सकें। ऐसे करके यहाँ पर तिरछा फिट करना है। तो फटाफट हम इससे पहले यहाँ पर इसको स्मूथ कर लेते हैं, ऐसे रगड़ कर यहाँ पर सैंड पेपर से। जो अभी यहाँ पर ये है, इसका आकार है एकदम से गोल, जो यहाँ पर ये एकदम से फिट नहीं हो रहा है। तो फटाफट से हम इसे कर लेते हैं। गैस इसको हमने यहाँ पर एकदम से रफ कर दिया है, इसको हम यहाँ पर ऐसे करके सेट करेंगे। अब देख सकते हैं अच्छे से यहाँ पर सेट आ रहा है। तो फटाफट से हम एक यहाँ पर होल करके और फेविक्विक से इसे सेट कर लेते हैं। गैस ये देख सकते हैं एकदम से रिवॉल्वर की तरह बन गया है, काफी मस्त, काफी अच्छे से ये सेट हो चुका है यहाँ पर। अब फटाफट से हम यहाँ पर लगाएंगे इसको मोटर को, ऐसे करके इसमें हम सेट करेंगे। इससे पहले हम यहाँ पर फटाफट इसके वायर के कनेक्शन करके इसमें अंदर कर देते हैं। गैस इसको हमने यहाँ पर अच्छे से फेविक डाइट से यहाँ पर इसे सेट कर दिया है। अब हम यहाँ पर ये गोल सर्कल लिया हुआ है, पीवीसी से कट किया हुआ है, इसको हम यहाँ पर इसमें बड़ा होल करके इस बुश के नाप का इसको हम भी कवर कर देते हैं फटाफट से। और ये यहाँ पर अच्छे से एकदम से कवर हो चुका है। अब गैस यहाँ पर हम लगाएंगे ये पुश बटन ऑन ऑफ के लिए। यहाँ पर हमने एक होल कर दिया है एक बड़ा सा इसके नाप का, यहाँ पर हम इसको फिट करेंगे ऐसे। तो फटाफट से इसके कनेक्शन, और यहाँ पर जो हमने ये स्विच लिया है 12 वोल्ट से चलने वाला है ये, तो इसको हम यहाँ पर फटाफट से इसे कनेक्शन के कर लेते हैं। गैस यहाँ पर ये तो कंप्लीट हो चुका है बनकर। अब हम यहाँ पर लगाएंगे ड्रिल चक, जो डीसी ड्रिल चक आता है। तो यहाँ पर हमने गैस ये डीसी ड्रिल चक ले लिया है, ये देख सकते हैं। ये आप लोगों को मार्केट में 200 रुपये का मिल जाएगा, नहीं मिलता तो आप लोग इसे ऑनलाइन परचेस कर सकते हो। इसमें अलग अलग बिट दी गई हैं, इसमें बिट लगाने के लिए। तो हम इस चक को यहाँ पर फटाफट से इसमें हम कनेक्शन इसके करते हैं। यहाँ पर ये एलंकी दी जाती है, इससे यहाँ पर इसके पेच हैं वो खोल लेना, ऐसे करके खुल जाते हैं। और यहाँ पर इसे ऐसे करके गैस फिट कर देने हैं।
और यहाँ पर इसे टाइट अच्छे से कर देना है ताकि हमारा ये ड्रिल चक खुले ना। और इसको भी हमने यहाँ पर टाइट कर दिया, ये अच्छे से टाइट हो गया। अब हम इसको यहाँ से खोल लेते हैं, ऊपर का हिस्सा इसको यहाँ से खोल देना है। और ये बिट है जो यहाँ पर सॉकेट, इसको यहाँ पर लगाकर फिर से इसे यहाँ पर टाइट कर देना है ऐसे करके। और यहाँ पर आप जो सी बिट लगाना चाहो वो यहाँ पर लगा सकते हो। यहाँ पर हमने इस बिट को यहाँ पर ऐसे करके लगा दिया और फटाफट से इसे हम अच्छे से टाइट कर देते हैं। ये यहाँ पर टाइट हो गई। गाइस यहाँ पर हमने ये 12 बोल्ट का एडेप्टर ले लिया है, इसको हम यहाँ पर देते हैं 220 वोल्टेज। यहाँ पर हमने ये बोर्ड में लगा दिया है। अब इसका ये सॉकेट है यहाँ पर हम लगा देते हैं, ये लगाया और ये यहाँ पर लग चुका है। अब इसका यहाँ पर बटन है, ये प्रेस करते हैं यानी कि दबाते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ये यहाँ पर चलने लगा है। तो यहाँ पर हमने ये एक पीवीसी का पाइप लिया हुआ है, इसको हम यहाँ पर होल करके दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ पर देख सकते हैं गाइस काफी अच्छे से यहाँ पर ये होल कर रही है मशीन, काफी अच्छे से यहाँ पर ये चलती है, देख सकते हैं कहीं पर भी इसमें होल कर सकते हो। इधर यहाँ पर देख सकते हैं कहीं पर होल नहीं है, इसको हम आप लोगों को लाइव दिखा रहे हैं। यहाँ पर ऐसे आप भी चला सकते हैं, देख सकते हैं काफी अच्छे से यहाँ पर ये होल कर रही है। और यहाँ पर फटाफट से इसको हम फिर से यहाँ पर खोल लेते हैं। यहाँ पर हमने इसे अलग कर लिया खोलकर, और यहाँ पर हम लेंगे ये घिसने का ये एक टूल लिया हुआ है, इसको हम यहाँ पर ऐसे करके इसे भी फिट करते हैं इसमें। बहुत बढ़िया, ये भी यहाँ पर काम करता है। इसको हम यहाँ पर फटाफट से इसमें लगा देते हैं, और इसको हम यहाँ पर इसे भी अंदर कर दिया, और इसको हम यहाँ पर कर देते हैं टाइट। ये भी यहाँ पर अच्छे से टाइट हो चुका है। और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इसे आप लोग चलाकर घिस भी सकते हैं कहीं पर भी, देख सकते हैं काफी अच्छे से ये घिसाई भी करता है यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पर हमारी ड्रिल मशीन आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताना। ये काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है, यहाँ पर आप लोग कोई सा भी टूल लगाकर यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छे से ये वर्क कर रही है। यहाँ पर हमने ये 12 बोल्ट से बनाकर दिखाई है, आपकी लाइट है वो बहुत ही कम खाएगी, ये बहुत अच्छी सी ये चलती है और काफ़ी अच्छे से यहाँ पर वर्क कर रही है। देख सकते हैं गाइस कितने बढ़िया से यहाँ एकदम से मक्खन की तरह चल रही है, यहाँ पर देख सकते हैं कितनी मस्त यहाँ पर एकदम से होल यहाँ पर कर रही है मशीन, देख सकते हैं आपको लाइव दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से यहाँ पर ये चल रही है। और यहाँ पर ये जो सीट है वो काफ़ी मोटी यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, काफ़ी मोटी है सीट। और यहाँ पर ये देख सकते हैं कितने अच्छे से ये मक्खन की तरह कट कर रही है यहाँ पर। तो हमारी ये ड्रिल मशीन आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में लिखकर गाइस हमें ज़रूर बताना। देख सकते हैं इसका लुक काफ़ी अच्छे से बनाकर दिखाया है, ऐसा ड्रिल मशीन आप भी बनाकर यूज कर सकते हैं अपने घर पर। गाइस आप लोग इसमें कलर भी करना चाहो तो इसमें कलर भी कर सकते हो, हम यहाँ पर इसको वाइट ही रखेंगे और काफ़ी अच्छे से इसका लुक आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं गाइस। गाइस यहाँ पर अलग अलग तरह के यहाँ पर ये टूल दिए गए हैं, यहाँ पर आप लोग अलग अलग तरह की बिट मोटी पतली लगा सकते हो। यहाँ पर ये काफ़ी अलग दी गई है, यहाँ पर इसमें छोटा होल है और यहाँ पर और बहुत ही छोटा होल दिया गया है, इसमें
बड़ा है, यानी कि जो सबसे बड़ा इसमें दिया गया वो यही है। फिर इसके बाद यहाँ पर ये भी छोटा दिया गया है और यहाँ पर एक लगाया है। ये हर साइज के इसमें यानी कि ये टूल दिए गए हैं, यहाँ पर ये लगाकर इस चक में यूज कर सकते हो। कोई भी मोटी पतली बिट यहाँ पर लगा सकते हो। काफ़ी अच्छे से ये पैक होकर आती है, आप भी ऐसी ऑनलाइन मंगा सकते हो। तो गाइस हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? जो गाइस ये हमने आप लोगों को बनाकर दिखाई हुई है डीसी 12 वोल्ट ड्रिल मशीन, वो काफ़ी अच्छे से बनाकर दिखाई है, बहुत ही छोटी बनाकर दिखाई है। ऐसी आप भी बनाकर यूज कर सकते हो। और ये इसका लुक दिया है, वो काफ़ी अच्छे से इसका लुक दिया हुआ है गाइस, ऐसी आप भी बनाकर यूज कर सकते हो। और इस ये लाइट है वो बिल्कुल से नहीं खाएगी, बहुत ही कम लाइट में चलेगी, यानी कि ये 12 वोल्ट से चलेगी। तो गाइस हमारी ड्रिल मशीन आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में लिखकर गाइस हमें जरूर बताना। गाइस अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें गाइस। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस नमस्कार, वंदे मातरम।